हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे ऑफ स्ट्रिंग। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एरे को पॉइंटर के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? तो सबसे पहले आप थोड़ा सा रिकॉल कर लो कि अगर मुझे एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ कैरेक्टर वेरिएबल। सपोज हमने यहाँ पर डिफाइन किया एक वेरिएबल कैरेक्टर टाइप और इसका वेरिएबल का नाम रख लिया सपोज str, राइट? तो अगर आप केवल इतना ही str लिख करके छोड़ दोगे तो इसमें आपको पता है कि सिंगल कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग एक एरे बनाते थे और उसका साइज यहाँ पे हम लोग देते थे। एंड सपोज हमने यहाँ पे साइज दे दिया 20, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी कि इस str के अंदर हम लोग मैक्सिमम 20 कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं, राइट? लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि ऐसा स्ट्रिंग, इस तरह का 20 कैरेक्टर जिसका मैक्सिमम लेंथ होगा एक स्ट्रिंग का, ऐसा स्ट्रिंग मुझे 5 चाहिए, मतलब मोर देन 1 चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या इम्प्रूव करेंगे कि टाइप तो हमारा कैरेक्टर ही रहेगा, राइट? और वेरिएबल का नाम आप अपने हिसाब से दे लो। सपोज यहाँ पे हमने दिया str और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना इनपुट लेना है। सपोज हमको लेना है 5 इनपुट, सो वी हैव टू डिफाइन द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग। और हर स्ट्रिंग का मैक्सिमम साइज कितना होगा वो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया, राइट? तो ये टोटली हमारा जो डबल डायमेंशनल एरे था बिल्कुल उसी तरह का रिप्रेजेंटेशन है। केवल डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग वहाँ पे इंटीजर या फ्लोट न्यूमेरिक वैल्यूज लेते थे, यहाँ पे हमको कैरेक्टर वैल्यू लेना है, राइट? So it represents that we can input the 5 string and every string should have a maximum length 20, right? अब देखो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे हमने साइज लिया है टोटल नंबर ऑफ रोज इज 5, राइट? जितना नंबर ऑफ रोज हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल स्ट्रिंग को, राइट? सो यहाँ पे अगर हमारा 0 है, 1, 2 एंड सो ऑन, राइट? तो हर एक रो का मैक्सिमम लेंथ जो होगा वो 20 कैरेक्टर होगा। तो तुम्हें पता है यहाँ पे स्टार्ट होगा 0 से, राइट? और जब हमारा लास्ट वाला जो कॉलम होगा उसका इंडेक्स नंबर मैक्सिमम होगा कितना, 19, राइट? सो इट विल बी स्टोर्ड लाइक दिस। और हर एक स्ट्रिंग का जो टर्मिनेटिंग कैरेक्टर होता है वो होता है बैकस्लैश 0। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा राज सपोज, देन दिस राज विल बी टर्मिनेटेड बाई बैकस्लैश 0। और ऐसा हर स्ट्रिंग के साथ होगा, जितना भी हम लोगों को लिखना है। मैक्सिमम लेंथ तो आपको पता है 20 कैरेक्टर होगा, और इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग हम लोग लिखेंगे उस स्ट्रिंग का टर्मिनेशन जो होगा वो बैकस्लैश 0 से होगा, राइट? चलो अच्छा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस एक स्ट्रिंग को अगर कीबोर्ड से इनपुट लेना होगा तो हम लोग कैसे इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए आपको पता है scanf हम लोग करेंगे। सो हियर इज scanf एंड देन द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द स्ट्रिंग इज परसेंटेज s एंड देन वी हैव टू पॉइंट आउट द स्ट्रिंग, राइट? तो यहाँ पे हमको कौन सा स्ट्रिंग लेना है, जीरो वाला। तो यहाँ पे हम लोगों को केवल रो नंबर बताना है, कॉलम नंबर नहीं बताना है, क्योंकि जैसे ही हम लोग एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं वो पूरा परसेंटेज एस जो है वो एक कंप्लीट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट होल स्ट्रिंग, राइट? तो लाइकवाइज तुम यहाँ पे इनपुट लेना होता अगर सेकेंड वाले स्ट्रिंग को, तो इसका इंडेक्स नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट? तो यहाँ पे अगर तुम चाहते हो कि हमको एक एक करके इनपुट नहीं लेना है, लूप चला करके इनपुट लेना है, तो तुम यहाँ पे इजिली लूप क्रिएट कर सकते हो 0 से लेकर के और 4 तक, राइट? मैक्सिमम साइज 5 है तो हम लोग यहाँ पे लूप चलाएंगे 0 से लेकर 4 तक। तो 0 से लेकर 4 तक अगर हम लोग चलाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सपोज कि एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड देन एक्स प्लस प्लस एंड इन साइड द लूप we have to write this scanf. So here is scanf percentage s and then write down the str of x. और जब हम लोग इसको इस तरह से इनपुट ले सकते हैं तो इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं।
केवल यहाँ पे स्कैनर के जगह पर आपका प्रिंट एफ हो जाएगा, राइट। तो अभी चलते हैं हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं वीएस कोड के अंदर, राइट। सो लेट्स हेड ओवर टू वीएस कोड। अब यहाँ पे हमारा एक सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर बना हुआ है और यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड द हेडर फाइल। सो हियर इज आवर इंक्लूड एंड देन stdio.h। Integer main, and here you define the string variable. So I am writing here character, and then I want to write here the names, and I want the five name from the keyboard. So यहाँ पे हमने five लिया, and the maximum size of every name is 20. And another one is the variable x for making the loop. So यहाँ पे हमने x variable ले लिया, और तब लूप चला लेते हैं। x इक्वल्स टू जीरो एंड देन x इज लेस देन फाइव x प्लस प्लस एंड राइट ऑन द मैसेज इंटर नेम। एंड स्कैनफ परसेंटेज s एंड देन नेम का कौन सा पोजीशन वाला वैल्यू हमको चाहिए। तो x इंडेक्स नंबर है हमारा, और x जो होगा वो फर्स्ट टाइम में जीरो होगा, तो नेम का जीरो वैल्यू आएगा। यहाँ पे नेम्स होगा, राइट। तो नेम्स का जीरोथ इंडेक्स वाला जो स्ट्रिंग होगा वो पहले इनपुट होगा, उसके बाद फिर से ये वैल्यू x का इंक्रीमेंट करेगा, वन होगा, फिर ये इनपुट करेगा नेम वन, नेम टू, नेम थ्री एंड सो ऑन। और जैसे ही इनपुट हो जाएगा उसके बाद हम इस वैल्यू को डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं आउटपुट and then again create a loop from 0 to 4, right? So x is equals to 0, x is less than 5 and x plus plus, और ये loop हम लोग create कर रहे हैं display कराने के लिए, right? कि हम लोगों ने कितना name input किया है, तो हर name को अलग अलग line में display करेंगे, इसलिए मैंने backslash n का use किया, right? और यहाँ पे names का x, right? And then we have to return 0. Now run your code. तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, फाइव नेम इनपुट करने हैं, और यहाँ पे हम लोग डाल दिए मनीष, ललित, तरुण एंड जय, एंड हियर इज आवर लास्ट नेम इज प्रदीप। So here is the output, Manish, Lalit, Tarun, Jay and Pradeep. So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.